हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है यूनिट 12 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड का मतलब होता है फोर, लैटरल्स मींस साइड। सो यू कैन से अ ज्योमेट्रिकल फिगर बॉन्डेड बाय फोर साइड इज नोन टू बी क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे पहला जो है वो कर्व। कर्व क्या होता है? से यू आर वी एस जो दिया हुआ है कर्व्स, तो सीधा सा बात है कि अगर मैंने पेन को लिया और उसके बाद एक सिंपल कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये कर्व कहलाएगा, है ना। इट मे बी लाइक दिस, इट मे बी लाइक दिस, है ना, या फिर ऐसे 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 करके इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से कर दिए, है ना। तो एनी थिंग विदाउट मूविंग द सॉरी क्या कहते हैं, पेन को बिना उठाए हुए, है ना, ऐसे ड्रॉ कर दिए तो ये भी क्या कहलाएगा? कर्व कहलाएगा, एंड नोन टू बी सिंपल कर्व। अब दो तरह के कर्व्स होते हैं, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज कर्व। तो ओपन कर्व, ये जैसे ओपन कर्व है, ये क्लोज्ड हो गया। ये देखो, ये सेम पॉइंट नहीं आ रहा जहाँ से इनिशियल पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट किए और वो जाकर फिर वहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे जैसे कुछ तस्वीरें दी गई हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला, जैसे ये पहला क्या है? ओपन कर्व है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, ये ओपन कर्व है, ओपन कर्व है, ये क्या है? नहीं, ये भी ओपन कर्व है। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट, चाहिए मान लो ये इनिशियल पॉइंट होके फिर वो फाइनल पॉइंट पे जाके मीट नहीं कर रहा है, है ना, ये अलग हो गया, इसलिए ये क्या है? ये भी ओपन कर्व है। अब पॉलीगन्स किसको कहते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट से बनता जो है, लाइन सेगमेंट जानते हैं किसको बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, तो पार्ट ऑफ अ लाइन। सेगमेंट्स का मतलब ही होता है टुकड़ा, है ना, जिसको हम लोग बांट दे रहे हैं, टुकड़ा कर दे। जैसे मान लो ये लाइन था, लाइन है, अब इसमें से कोई टुकड़ा ले लिए हम, है ना, सेगमेंट, जैसे ए और बी, तो ये ए बी क्या कहलाया? लाइन सेगमेंट कहलाया। सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, और ये किसका टुकड़ा था? लाइन का था। तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। अब क्या है कि लाइन सेगमेंट से कोई भी अगर हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट, जैसे इस तरह से हो गया, ये हो गया, इस तरह से एनी फिगर इफ यू आर ड्रॉइंग, है ना, देन इट इज सेड टू बी अ पॉलीगन। कोई भी फिगर जो स्ट्रेट लाइन से हम लोग देख रहे हैं, है ना, सिंपल लाइन सेगमेंट से हम लोग जो देख रहे हैं वो है क्या है? पॉलीगन। ऑल आर दिस पॉलीगन्स। नाउ यू नो अबाउट द वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब दो लाइन सेगमेंट जहाँ पे मीट कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और वर्टेक्स का जो है प्लूरल फॉर्म हो जाता है वर्टिसेस। साइड, ये साइड हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 9 साइड्स हैं, है ना। फिर आता है कॉन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन में इस बात को समझना है कि इंटीरियर एंगल को हम लोग देखेंगे। इंटीरियर एंगल, जैसे ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, है ना, ये सारे जो इंटीरियर एंगल हैं, और अगर इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री देन इट इज सेड टू बी व्हाट? कन्वेक्स पॉलीगन, और अदरवाइज कनकेव हो जाएगा। जैसे ये क्या हो रहा है? ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं, क्यों? देखो, ये अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे बढ़ाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री आ रहा है, लेकिन ये 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो ये जो है किस तरह का पॉलीगन आया? कनकेव, कनकेव पॉलीगन। अब इस फिगर में देखो, ये क्या है? कन्वेक्स है, सब ऑल आर लेस देन 180 डिग्री, ये भी लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, लेकिन कन्वेक्स सॉरी कनकेव में क्या हो गया? अब इस बारे में विचार करो, ये दिस इज मोर देन 180 डिग्री, ये भी मोर देन 180 डिग्री, तो जहां पे ज्यादा हो जाएगा 180 डिग्री से, तब हम लोग उसको कहते हैं कनकेव पॉलीगन। और हम लोग अभी कनकेव पॉलीगन के बारे में चर्चा करने वाले नहीं है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कन्वेक्स को लेके ही। अब एक वर्ड आता है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर को यहां पे समझना होगा हैविंग इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, ठीक है। अगर इक्वल साइड्स हैं तो उसे हम कहलाएंगे रेगुलर पॉलीगन। जैसे मान लो कि हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब हैविंग सिक्स साइड्स,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड्स है, और अगर इसका साइड्स जो है वो सभी इक्वल हैं, एक ऑफ इक्वल लेंथ, देन दिस पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर? और अगर इक्वल नहीं है देन इट इज सेड टू बी इरेगुलर पॉलीगन। जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो है वो क्या है, इरेगुलर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन, वेर एज स्केलन या ले लें या फिर इक्विलेटरल आइसोसेलिस ट्रायंगल ले लें, तो ये दोनों जो होंगे वो कैसा ट्रायंगल कहलाएगा, इरेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। और जैसे साइड्स इक्वल हो जाते हैं, है ना, और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, ये भी ध्यान देना, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, देन इट इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगन। अब इसी केस में हम लोग ले लेते हैं एक रोम्बस, एक वर्ड सुने हैं रोम्बस, जानते हैं आप लोग फिगर, ये किस तरह का होता है, थोड़ा फिगर मैंने गलत बना दिया, फिर से बनाता हूं, है ना। समवट इस तरह का, अगर ये सीधा 90 डिग्री हो जाता तो फिर तो ये क्या कहलाता, स्क्वायर कहलाता, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एंगल्स आर नॉट इक्वल, साइड्स आर इक्वल, है ना, साइड्स इक्वल होते लेकिन एंगल इक्वल नहीं होते, तो इसको भी हम लोग कहेंगे इरेगुलर पॉलीगन। तो हम लोगों को दो चीज़ समझ में आया, इरेगुलर पॉलीगन का क्या समझ में आया, कि साइड्स तो इक्वल होने चाहिए, साथ ही साथ एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, एंगल्स शुड ऑल्सो बी इक्वल। तो रोम्बस जो है वो इरेगुलर पॉलीगन का कैटेगरी में आएगा, व्हाई, बिकॉज इट्स एंगल्स आर नॉट इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर मतलब इक्वल एंगल के वैल्यू के नहीं है। अच्छा, अब कुछ फॉर्मूला जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं, जैसे sum of angles of a polygon having n side, अगर n साइड का एक कोई पॉलीगन है तो उसका एंगल्स के जो सम होंगे, है ना, वो कितना होगा, तो ये होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ट्रायंगल का केस में, देखो ट्रायंगल में कितने साइड रहते हैं, 3 होते हैं, तो 3 माइनस 2 किए इंटू 180, क्या आया 1 इंटू 180, दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल ले लेते हैं जो 4 साइड का है, है ना, एनी क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें क्या होगा, 4 माइनस 2 इंटू 180, दैट इक्वल्स टू 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 डिग्री। अगर पेंटागन है, पेंटागन हैविंग 5 साइड्स, तो 5 माइनस 2 इंटू 180, देयरफॉर क्या होगा, 3 इंटू 180, दैट इक्वल्स टू 540 डिग्री। मतलब क्या होगा कि इंटीरियर एंगल, अगर कोई अगर पेंटागन है ना, सपोज ये पेंटागन है और इसके एंगल, इंटीरियर एंगल का सम ये हो गया इंटीरियर एंगल का सम, तो इसको ये पांचों एंगल को अगर ऐड करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 540। अब ईच निकालना है, ईच ईच इंटीरियर एंगल, तब क्या हो जाएगा, सीधा इसको बाय एन कर देंगे, एन माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाय एन, जैसे 540 डिग्री आया इसको एन से डिवाइड कर देंगे 5 से, तो प्रत्येक एंगल निकल आएगा ऑफ ये रेगुलर, ये ध्यान रखना है हम लोग रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन
या पॉलीगन ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू हमेशा 360 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, अगर हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, कोई एक एक्सटीरियर एंगल पता रहेगा तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल अगर हम लोग को निकालना है तो सीधा से करेंगे 360 डिवाइडेड बाय एन। चलो जब इसको हम लोग बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। सीधे चलते हैं अब एक्सरसाइज के ऊपर ना, एक्सरसाइज 12.1। सम फिगर्स आर गिवन बिलो, 1, 2, 3, 4 ये सारे फिगर्स दिए गए, क्लासीफाई देम ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग सिंपल कर्व। कौन से ये सारे सिंपल कर्व हैं, है ना, इसको हम लोगों को लिखना है। और पहला क्वेश्चन है कि सम फिगर्स आर गिवन बिलो, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हुआ है क्या, सिंपल कर्व। इसमें से सिंपल कर्व कौन कौन सा है, तो देखो एक नंबर सिंपल कर्व्स है, चलो हम लोग यहाँ पे ए का लिख लेते हैं, 1 है। उसके बाद क्या है, 2 नंबर भी सिंपल कर्व्स है, बिना पेंसिल उठाए इसको हम लोग कर रहे हैं तो 2 भी आएगा, है कि नहीं। फिर 3 भी होगा, फिर 5 होगा एंड 6 होगा, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये हम लोग को ध्यान देना है। और फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है सेकंड कर्व, बी सिंपल कर्व। इसमें से सिंपल कर्व कौन कौन सा है, सॉरी सिंपल क्लोज्ड कर्व, हम लोग क्लोज देखना है, तो ये क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है, 3 जो है वो क्लोज है, तो 3 हो गया क्लोज्ड। इसके बाद कौन सा आएगा, 5 और 6। सी नंबर पॉलीगन, पॉलीगन का क्या था कि स्ट्रेट लाइन से, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, है ना, तो ये तो लाइन सेगमेंट नहीं है, ये भी लाइन सेगमेंट नहीं है, ये 3 जो है वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, 3 और 6। इसके बाद है डी का कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स का क्या था कि ऑल एंगल्स शुड बी लेस देन 180 डिग्री, तो ये 3 तो आएगा ही, 180 डिग्री से कम है ना, ये नहीं हुआ क्योंकि ये कनकेव हो जा रहा है ना। तो अगला जो है ई कनकेव, वो क्या हो जाएगा, 6 नंबर कनकेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी डायगनल्स डच ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। अच्छा, डायगनल्स का तो फॉर्मूला हम लोग लिखे ही नहीं है ना, चलो उसका फॉर्मूला भी हम लोग लिख लेते हैं। तो डायगनल्स का जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डायगनल्स इज इक्वल टू होता है एन इन टू एन माइनस 3 बाय 2, है ना, ये नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन माइनस 3 बाय 2। अब देखो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल तो हैविंग 4 साइड है कि नहीं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एन इज इक्वल टू कितना आया, 4। नंबर ऑफ डायगनल्स इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 और 4 माइनस 3 बाई 2, इस तरह से 2 इंटू 1 आया, तो 2 डायगनल्स होंगे, है ना। मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसका डायगनल्स कितने होंगे, 2 डायगनल्स होंगे, एक ये और एक ये,
बी नंबर और रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन सिक्स साइड, एन इज इक्वल टू क्या हो गया सिक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो सिक्स, सिक्स माइनस थ्री बाई टू, टू थ्री जा सिक्स, इस तरह से थ्री इंटू थ्री आया इज इक्वल टू क्या हो गया नाइन डायगोनल्स होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स, वन में एट दिया हुआ है तो एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ एट, और हमें क्या निकालना है सम ऑफ, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग एट साइड इज इक्वल टू क्या होता है एन माइनस टू इंटू 180, देयरफॉर एट माइनस टू इंटू 180 और सिक्स इंटू 180 और तो 1080 degree, 186 108, और इस प्रकार से इसका आंसर जो आएगा 1080 degree आएगा। नाउ सेकंड, थ्री का सेकंड है एन इज इक्वल टू 12, देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 क्या हो जाएगा 12 माइनस टू इंटू 180 देयरफॉर 10 इंटू 180 और 180 और एक जीरो बैठ गया 1800 आएगा। थर्ड, और थर्ड है नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर फोर। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 degree। इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इसको दो तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले तो एक हम लोग देखे थे कि ईच इंटीरियर एंगल क्या था, ईच इंटीरियर एंगल का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे कि एन माइनस टू इंटू 180 बाई एन, ये ना किए थे। अब यहाँ पे ये 90 है, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो भी निकल जाएगा, और दूसरे तरीके से भी हम लोग देखेंगे। अब 90 डिग्री तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 एन माइनस 360 बाई एन, और ये एन जाके डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई हो गया तो 90 एन माइनस 180 एन इज इक्वल टू माइनस 360 और माइनस 90 एन इज इक्वल टू 360 और एन इज इक्वल टू 360 बाई 90, 0 0 काटे 9 4 36, एन इज इक्वल टू क्या निकल गया 4। सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ऐसा नहीं कि उसी तरह से कर सकते हैं, सीधा इस तरह से भी लिख सकते हैं एन 90 एन बाई 180 इज इक्वल टू एन माइनस टू, और इसको डिवाइड किए 2 बार में है ना, और एन इज इक्वल टू 2 एन माइनस 4 और 2 एन माइनस एन इज इक्वल टू 4 और एन इज इक्वल टू 4। दूसरा तरीका क्या था, सेकेंड वे, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, और इस तरह से 360 बाई 90 किए और ईजी वे में हम लोग का 4 आ गया। उसी तरह से सेकेंड का देखेंगे,
इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 108 डिग्री. देयरफॉर एन इज इक्वल टू, सॉरी इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे एन माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाय एन, ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला था. अब इसके जगह पे पुट किए, ये हो गया 108 एन इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180. अब ये 180 को इधर ले आके डिवाइड कर लेते हैं, फाइनली तो हमको मल्टीप्लाई करना ही होगा, है ना. 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 9 वन जा 9 और 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, फिर 4 3 जा 4 5 जा, और इस प्रकार से 3 इज इक्वल टू क्या गया, ये जाके इधर इंटी हुआ मल्टीप्लाई हो गया, तो 5n माइनस 10 है ना, और इधर हो गया ये 3n. अब इसको इधर लाते हैं, 3n माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 10, और 3 से 5 घटाएं तो क्या हो गया, माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और n इज इक्वल टू क्या निकल गया, 5/2, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5. दूसरे तरीके से भी इसको देख लेते हैं, सेकंड वे. इंटीरियर एंगल दिया हुआ 108 डिग्री, हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल. सो 180 माइनस 108, 8 टू 10 बचा 7, 72 डिग्री नहीं. देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल. देयरफॉर 360 बाय 72, 9 से होगा, 9 8 जा 9 4 जा 8 1 जा 8 5 जा, इस प्रकार से कितना निकल गया, 5 साइड्स. उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा. थर्ड इसी तरह से करते हैं, 65 डिग्री 165 है, थर्ड 165. Therefore, interior angle is equal to n minus 2 into 180 divided by n. बैठा देते हैं, 165 is equal to 180 n minus 360 by n. अब क्या करते हैं कि 360 को इधर ले आते हैं, है ना, और इससे जब इंटू हुआ तो ये हो गया 180n माइनस 165n. देयरफॉर 360 इज इक्वल टू 51 और n इज इक्वल टू 360 बाय 15, 15 टू जा 30, 60 हो गया, और 15 फोर जा 60, इस तरह से n इज इक्वल टू क्या निकल गया, 24 साइड. सेकेंड वे में भी हम लोग देख लेते हैं, इंटीरियर एंगल दिया हुआ 165, एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे 180 माइनस 165 कितना हो जाएगा, 15 है ना. देयरफॉर क्या निकालना था, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, 360 बाय 15, 3 से कर रहे हैं, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 0, 5 से करेंगे, 5 टू जा 10 बचा 20, 5 फोर जा 20, देयरफॉर 24 साइड्स आ गया, है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 7:8:11:13:15 फाइंड द एंगल्स. तो लिखते हैं, लेट द एंगल्स ऑफ पेंटागन
बी 7x, 8x, 11x, 13x एंड 15x, ये सब मान लिए। अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना होता है? 540 होता है ना, अगर नहीं पता है तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे, n माइनस 2 इंटू 180, पहले इसको निकाल लेते हैं, देयर फॉर 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन पांचों एंगल का सम किसके बराबर होगा? 540 के बराबर होगा, तो इसी को हम लोग लिख लेंगे 7x प्लस 8x प्लस 11x प्लस 13x प्लस 15x इज इक्वल टू 540। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद देखे करके मल्टीप्लाई करके वी विल फाइंड ईच एंगल। देखो 8 7 15 15 16 26 26 29 39 39 44 और ये 10 54, ये आ गया 54x इज इक्वल टू 540 और x इज इक्वल टू 540 बाई 54। इस प्रकार से x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। देयरफॉर द एंगल्स आर 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 10 70 डिग्री, 8x 8 इंटू 10 80 डिग्री, 11x 11 इंटू 10 110 डिग्री, 13x 13 इंटू 10 130 डिग्री, 15x 15 इंटू 10 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। चलो एक ए बी सी डी एक ले लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये पैरेलल है ना। इफ एंगल ए इज टू डी, सपोज ए और इज टू डी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी इज टू सी इज 7:8, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x एंड एंगल डी इज इक्वल टू 3x। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होता है। वाई को इंटीरियर एंगल है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, जैसे ए बी और डी सी पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ए प्लस डी जो है इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। देयरफॉर 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 और 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 5 है ना, और 5 से जब डिवाइड करना है तो हम लोग सिंपली इसको डिवाइड कर देते हैं, 18 टू जो 36, इसके बाद मतलब आ जाएगा 36 डिग्री, x का वैल्यू 36 है। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर 2 इंटू 36 इज इक्वल टू कितना हो गया? 72 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर 3 इंटू 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री। उसी तरह से लेट एंगल बी इज इक्वल टू 7y एंड एंगल सी इज इक्वल टू 8y है ना। बी और सी के केस में भी हम लोग देख लेते हैं, बी और सी को इन दोनों का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 7y प्लस 8y इज इक्वल टू 180 और 15y इज इक्वल टू 180 डिग्री और y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 15। 15 वन जा 15 बचा कितना? 3, 6, y इज इक्वल टू 16 है। देयरफॉर एंगल b इज इक्वल टू
सेवन इंटू सिक्सटीन तो ये आएगा 112 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 8y ओह 15 टू जो 30 12 आएगा सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर सो 12 सेवन जो 84 डिग्री एंड 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 जो 96 ठीक है 15 वन जो 15 बचा 3 30 हो गया है ना मैं 5 सोच लिया था 15 टू जो 30 होता है तो इस प्रकार से 84 डिग्री एंड 96 डिग्री आया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एक्स एंगल डी ए बी एंड एंगल ए डी बी इसको हम लोग ऐसे करेंगे क्या लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंगल ए कितना है तो 3x प्लस 4 है एंगल बी देखो एंगल बी जो है वो 50 प्लस x है ना यहाँ से यहाँ तक 50 और ये x 50 प्लस x एंगल सी कितना है तो 5x प्लस 8 और एंगल डी जो है वो है 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 360 पहले एक्स वाले टर्म को जोड़ लेते हैं 3 4 5 9 10 11 12 ये आ गया 12x प्लस अब इसको जोड़ते हैं ये 4 है और ये 50 तो 54 और 8 62 और 10 72 इज इक्वल टू 360 और 12x इज इक्वल टू 360 माइनस 72 घटा लेंगे 8 है ना ये कितना हो जाएगा अब यहाँ बचा 5 तो 15 तो 8 यहाँ पे 288 12x और x इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 12 चलो 12 से करते हैं 12 टू जा 24 बचा कितना 448 12 4 जा 48 x इज इक्वल टू 24 तो ए का तो आंसर आ गया फर्स्ट का आ गया x इज इक्वल टू क्या आ गया 24 अब सेकंड है एंगल डी ए बी डी ए बी एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है देयरफॉर 3 इंटू कितना आया था x का वैल्यू 24 24 प्लस 4 तो 4 3 जो 12 कैरी 1 3 जो 6 1 7 और प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 76 डिग्री और जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें गलती से लोग क्या कर देते हैं कि 3x प्लस 10 लेते हैं नहीं हम लोगों को बोला गया ए डी बी ए डी बी मतलब यहां से सिर्फ ये पार्ट तक निकालना है ये पूरा नहीं एंगल डी दिया हुआ था 3x प्लस 10 हम लोग को निकालना सिर्फ ये तो इसमें हम लोग क्या करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो इसमें क्या लगाएंगे एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल अब देखो डी ए बी हमने अभी निकाले डी ए बी कितना था 76 डिग्री ए बी डी कितना है 50 डिग्री और ये हमें निकालना है एंगल ए डी बी therefore angle ADB is equal to 180 degree minus and I squared कर लें तो 75 12 126 degree होगा और subtract करते हैं तो 6 4 10 बचाया 7 7 से 2 घटाया तो 5 और 1 1 cancel हो गया तो angle ADB is equal to आएगा 54 degree this is going to be the answer आज के लिए बस इतना ही in the next video we will see from question number 8 to question number 13
पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।